हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ट्रिपल सी की क्लास 16 करने जा रहे हैं, जिसमें आज आप ईमेल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको हमारी वेबसाइट पे एजुकेशन जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल हो या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की बात करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिपल सी का 16 लेक्चर। ईमेल इस अध्याय में आप सीखेंगे ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस कैसे लिखेंगे, ईमेल बॉक्स यानी इनबॉक्स और आउटबॉक्स, ईमेल का प्रयोग करना, ईमेल खाता खोलना, ईमेल देखना, ईमेल भेजना, ईमेल सुरक्षित करना, एक ही समय में एक से ज़्यादा व्यक्तियों के पास ईमेल करना, ईमेल के साथ सॉफ्ट कॉपी भेजना, ईमेल वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलना। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के द्वारा कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश प्रेषित या संदेश प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक ईमेल तीन भागों में बटा होता है। पहला हेडर, दूसरा मैसेज बॉडी, तीसरा सिग्नेचर। ईमेल हेडर में निम्न भाग होते हैं, जैसे टू बॉक्स में ईमेल प्राप्त करने वाले का एड्रेस होता है, सीसी बॉक्स में दूसरों का भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जिनके पास ईमेल की नकल भेजनी हो, सब्जेक्ट बॉक्स में ईमेल का विषय लिखते हैं, मैसेज बॉडी इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका संदेश होगा, सिग्नेचर यह ईमेल भेजने वाले को निर्देशित करता है, इस भाग में नाम, फोन नंबर या एड्रेस होता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ईमेल एड्रेसिंग, इंटरनेट पर किसी भी यूजर का ईमेल एड्रेस इंटरनेट एड्रेस यानी कि URL के समान होता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में इंटरनेट एड्रेस के प्रोटोकॉल नेम के जगह यूजर नेम हो जाता है। इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल नेम संस्था का नाम जिसकी वेबसाइट होती है और संस्था का प्रकार से मिलकर बनता है, जैसे http://www.doec.edu.in पर। इस वेबसाइट में HTTP एक प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, डोएक संस्था का नाम तथा EDU संस्था का प्रकार है जो कि शैक्षिक संस्थान के लिए है, जबकि ईमेल एड्रेस कुछ निम्न तरह से होता है, nkag@doec.org.in इस ईमेल एड्रेस में दाएं यूजर नेम है। मेलबॉक्स, इनबॉक्स में आउटबॉक्स। इनबॉक्स वह स्थान है जहां पर आने वाली मेलों को रखा जाता है। इनबॉक्स को खोलने के लिए इनबॉक्स नामक आइकन पर क्लिक करें। एक बार यदि इनबॉक्स में मैसेज आ जाता है तो उस मेल को पढ़ा जा सकता है। आप अपने मैसेज को एक नए विंडो पर या उसी विंडो पर पढ़ सकते हैं। आपके इनबॉक्स में एक से अधिक मैसेज हो सकते हैं। जिस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आउटबॉक्स, जब हम कोई नया मेल कंपोज करके भेजते हैं तो हमारे द्वारा सभी भेजे गए सभी मेल आउटबॉक्स में इकट्ठे होते रहते हैं। आउटबॉक्स की सहायता से हम अपने भेजे गए मेल को बाद में भी देख सकते हैं। यदि हम मेल कंपोज करके बाद में भेजना चाहते हैं तो
इसे आउटबॉक्स में सुरक्षित रख सकते हैं। ईमेल खाता अकाउंट खोलना। ईमेल भेजने से पहले हमें ईमेल अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनेट पर बहुत सारी साइट उपलब्ध है जिन पर हम ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट जहां हम ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं निम्नलिखित है, जैसे याहू मेल, जीमेल, इंडिया टाइम्स और हॉटमेल। जीमेल वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलना। वेब ब्राउज़र के एड्रेस पर एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें और एंटर की दबाएं। कुछ ही देर में एक पेज स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस पेज पर साइन अप यानी खाता बनाएं बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जिसमें दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें आपका अकाउंट खुल जाने की पुष्टि हो जाएगी। ईमेल को देखना। अपने मेल को देखने और पढ़ने के लिए निम्न नियमों का पालन करें। अपने वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट को खोलें जिस पर आपका ईमेल आईडी बना है। उसके होम पेज पर यूज़र नेम तथा पासवर्ड डालकर अपने ईमेल अकाउंट को खोल लें। अब इनबॉक्स बटन पर क्लिक कर उसे खोलें। जितने भी ईमेल आपके आईडी पर आए होंगे सबकी लिस्ट खुल जाएगी। अब जिस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, वह खुलकर आ जाएगी। यदि आप दूसरा मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो इनबॉक्स के बैक बटन को दबाएं तथा उपरोक्त प्रक्रिया को पुनः करें। ईमेल को भेजना। ईमेल को भेजने के लिए कंपोज बॉक्स बटन पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलकर आएगी। इस पर टू बॉक्स में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखें जिसको आप मेल करना चाहते हैं। अब आप सब्जेक्ट बॉक्स में अपने मैसेज का विषय लिखें। अब मैसेज एरिया में मैसेज लिखकर सेंड बटन पर क्लिक करें। मैसेज चला जाएगा। मेल को सुरक्षित करना। यदि आप अपने लिखे मेलों को कहीं किसी फोल्डर या ड्राफ्ट में सुरक्षित करके रखना चाहते हैं तो कंपोज मेल के विंडो पर सेव नाउ नामक बटन पर क्लिक कर दें। यह बटन आपने आप स्वतः ही आपके मेल को ड्राफ्ट नामक फोल्डर पर सेव कर देगा। एक ही मेल एक से अधिक यूज़र को भेजना। आप अपने ईमेल आईडी को खोलकर कंपोज बटन पर क्लिक करें। कंपोज विंडो पर टू बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखें जिसे आपको मेल करना है। यदि आप एक से अधिक व्यक्ति को या यह मेल करना चाहते हैं तो आपके पास कंपोज विंडो पर दो बॉक्स सीसी यानी कार्बन कॉपी तथा बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण बीसीसी ये लिखा हुआ है, ये उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस है। अब मैसेज बॉडी में मैसेज लिखकर सेंड विकल्प पर क्लिक करें। आपका मैसेज निम्न एड्रेसों पर पहुंच जाएगा, जैसे पहला दूसरा ये कुछ लिखे हुए हैं। ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेजना। आप अपने ईमेल आईडी पर कंपोज विकल्प को चुनें तथा मैसेज को लिखें। टू में उसे व्यक्ति का एड्रेस लिखें जिसे आप मेल अटैचमेंट के साथ भेजना चाहते हैं। अब अटैच अ फाइल बटन पर क्लिक करें। यूज़र फाइल विंडो खुलेगी जिसमें से आप वह फाइल चुन लें जिसे अटैच करना चाहते हैं। यदि आप एक से अधिक फाइलों को अटैच करना चाहते हैं तो फिर से अटैच अनदर फाइल बटन पर क्लिक करें। अब अंत में आप सेंड बटन पर क्लिक कर दें। ईमेल के साथ विभिन्न प्रकार के संलग्नों की सूची। अटैचमेंट के साथ आप केवल वर्ड डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की फाइलों को भी अटैच कर सकते हैं। आप अपने अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट फाइल, इमेजेस, पिक्चर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आदि को अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल समाप्त होता है।
आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। पूरी वीडियो